नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं वनमाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं सी टेल न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद के शुकोहाबाद में सिरसा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने ठान ली है। इसी के चलते जिला अधिकारी ने निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन ने इसका पूरा प्लान तैयार किया। गुरुवार को नगर पालिका ने एक जेसीबी और हाइड्रा मशीन को लगाकर नदियां में भरी गंदगी और सिल्ट निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने इस कार्य का निरीक्षण किया और शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सिरसा नदी नगर से होकर निकलती है। प्राचीन काल में सिरसा नदी का अपना महत्व था, लेकिन धीरे धीरे नदी अपना अस्तित्व खोती चली गई। वर्तमान में लोगों ने नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। स्थानीय लोगों एवं समाज सेवियों द्वारा नदी की सफाई के लिए मांग उठाती रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन ने नदी को साफ कराने का बीड़ा उठाया और मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों से नदी की सफाई का कार्य प्रारंभ करा दिया। कई ब्लॉकों में कार्य पूर्ण हो चुका है। बुधवार नगर की लगभग 1.5 किलोमीटर सीमा में सफाई का कार्य प्रारंभ हो गया। गुरुवार को पालिका द्वारा एक जेसीबी और हाइड्रा मशीन से नदियां की सिल्ट और गंदगी को हटाना शुरू कर दिया। सुबह लगभग 11 बजे के करीब डीएम चंद्र विजय सिंह ने नदियां की सफाई कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन रोड स्थित नदिया पुल और घोड़ा घाट के समीप नदिया की सफाई में आ रही अड़चन का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने सफाई कार्य में रोड़ा बन रहे कुछ अवैध अतिक्रमण के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया। डीएम ने एसडीएम से कहकर उक्त अवैध निर्माण कार्य में ध्वस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार से कहा कि कार्य को शीघ्र समाप्त कराया जाए। तो देखते रहिए, ये हमारी खास रिपोर्ट। है क्या है, शिकोहाबाद क्षेत्र में हमारी जो सिरसा नदी है, तो क्योंकि शहर के बीच से होकर गुजरती है, उसका स्वरूप काफ़ी ख़राब हो गया था। तो मैं ये निरीक्षण करने आया हूँ कि किस तरह से हमारा जेसीबी वगैरह लगा के इसको स्वरूप को सुधारा जा सकता है। 2 जेसीबी भी मौके पर हमने लगवा रखी है, और भी नगर पालिकाओं का सहयोग लिया जाएगा, एसडीएम का सहयोग लिया जाएगा, और कोई अतिक्रमण है तो उसको भी बीच में हटवाया जाएगा। नदी का स्वरूप सुधरे और जो पानी शहर का भी उसमें जा रहा है या और पीछे से जो स्थिति नहर की ठीक है, वो कम से कम जिस जगह पे स्थिति उसकी ख़राब है उसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक इस नदी को हम अच्छे से रूप में नहीं ले आते।